प्यार हो गया आपसे। सपनों में शरारत ये जो तेरा प्यार है क्या कर? एक्सक्यूज मी, मैं ना 100 नंबर पर कॉल कर रहा हूँ। है क्यों? क्योंकि आपने पूरी सीपी में आग लगा रखी है। हाँ एकदम बम जैसी लग रही हो। हुक्म ता कर दावे असी दिन दे जान यारा। हाँ जब से आई हो ना लोग पागल हो गए, कुछ दूसरे लोग तो उधर पड़े हुए हैं। सही बता रहा हूँ, एम्बुलेंस भी देखो, आ देख रही हो एम्बुलेंस भी आ रही। अच्छा। वो तुम्हारे चक्कर में ही घायल हो चुके हैं, लेने के लिए आई है। अच्छा, अच्छा। हाँ ये समझो जो ब्लैक में जो लोग आ जाते हैं ना, ब्लैक तो ये समझो लड़कियों के लिए बना है। अच्छा। सही बता रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। बहुत ब्लैक पहन रखे। अच्छा मैंने ब्लैक पहन रखा, मैं भूल गया। मैं आपका ब्लैक देख के ना अपना ब्लैक भूल गया। आपका डार्क ब्लैक है। हाँ हाँ बाय द वे हाय, पहचाना मुझे? है नहीं। कल तो मिले थे हम सपनों में। शरारत ये जो तेरा प्यार है। तो अभी तो आया हूँ मैं, ऐसे किसी के पास थोड़ी चला जाऊँगा मैं। मैग्नेट है? नहीं। है कहाँ रखी है? नहीं, कहीं नहीं है। तो फिर खींचा कैसे मुझे? है मुझे पूछ तो रहा हूँ कैसे खींचा आपने मुझे? ऐसे नॉर्थ साउथ पोल है ना। कौन सा फोन है? नॉर्थ साउथ पोल। वो क्या है? मैग्नेट के दो पोल। वो तो नहीं है कि ट्रायंगल जो इसमें सारे जहाँ डूब जाते हैं जाके, पता है वो कहाँ पर है? एक जगह ऐसे समंदर के अंदर है ना वो, उसमें ट्रायंगल है। अच्छा, हाँ उसमें ना कुछ भी चीज़ उसके ऊपर से जा रही हूँ वहीं चली जाती है। मुझे तो लग रहा है आप उससे भी खतरनाक हो, लव ट्रायंगल ना बन जाए कहीं। वैसे आप मैं बताया तो अभी कल ही तो मिले थे सपनों में। भूल जाते हो क्या आप? नहीं, नहीं, नहीं मेरे सपनों में तो नहीं। अच्छा किसी और के सपनों में भी जाते हो क्या आप? हैं क्या नाम है आपका? सुप्रिया। सुप्रिया क्या बात है, बहुत अच्छा नाम है। तो बात कर सकता हूँ आपसे? बताइए। हैं कुछ नहीं, आप मुझे अच्छे लगे इसलिए बात करने के लिए आ गया। वैसे हर किसी से करता नहीं मैं, बहुत प्यारी लगी इसलिए आपसे कर लिया। हाँ तो कर सकता हूँ थोड़ी देर बाद? हैं तो नंबर दे दो अपना। पूछ ही 100 इस पर तो कर दिया मैंने कॉल, आते ही होंगे उठा ले जाएंगे। 101 उसके बाद डायल कर लेना। 101 क्यों? एमरजेंसी कोड है, नहीं तो 102 कर लेना एम्बुलेंस के लिए। वो तो एम्बुलेंस वगैरह अभी तो गई है। तो बताओ कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही हो, तभी आप इतनी खूबसूरत हो। हाँ दिल्ली की लड़कियाँ होती ही अच्छी हैं, अब क्या बोलूँ। कुछ लड़कियाँ वो भी अच्छी होती हैं। सारी लड़कियाँ अच्छी हैं। लड़की कोई बुरी नहीं होती, बस तुम्हारी देखने का नज़रिया अच्छा हो। डिपेंड करते सामने वाला कौन है। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। विल बी माई गर्लफ्रेंड? मैरिज मार दिया। ए भगवान उठा ले। मैं जाऊँ तो फिर क्या मैं दीवारों से गले लग के मिलूँ? मैं भगवान ने तो फांसी का फंदा भी नहीं लटकाया, जहाँ से मैं लटक के मर जाऊँ। झल्लर जरूर लटकी हुई है। मेरे यहाँ मेरे दिल में दिवाली कब आएगी वो तो बताओ। अभी तो गई है। नहीं चली गई ना। दोबारा आएगी मेरे दिल में तो तब दिवाली आएगी ना, जब इतनी कुछ सुंदर सी रंगों की कलरफुल होली आएगी। पता नहीं किसकी किस्मत में चली गई तो मैं आ रहा हूँ, बड़ा दुख हो रहा है। रंगों की कलरफुल इतनी, भगवान ने एकदम हाइट वाइट भी बहुत अच्छी दी है आपको, है ना, और पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, तो सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा ही अच्छा है। वैसे लड़का तो मैं भी अच्छा हूँ, काश तो मेरी बीवी बन जाती ना, तो फिर जो है कुछ महीने लेट हो गए। कुछ महीने? कुछ महीनों ही लेट। कितना हुआ है? 6 महीने बस। तो यार गड़बड़ हो गई यार, मैं तो यहीं था, बताया क्यों नहीं आपने? आप मिले ही नहीं मैंने मुझे। हैं सब किस्मत का खेल होता है ना, क्या पता आप हो जाए। अब नहीं होगी क्यों? मना किया? हो गया बेबी। क्या हुआ है? शादी हुई तभी तो बेबी होगा। अब वो होगा फ्यूचर। अभी नहीं, लंबा प्लान है। बहुत लंबा।
पाँच साल बाद बहुत लंबे बात तो मिले हैं, लंबा रिचे क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरा नाम तो पूछा नहीं आपने। मैंने तीन बार पूछा आपका नाम, आपने बताया। पूछो आपका नाम क्या है। मेरा नाम प्यार करेंगी आप। अच्छा लव मैरिज, यार मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ये लव वाली जब चीज़ें आती ना, दिल पहले भी टूटा था, फिर आप कहते हो कहीं दोबारा ना टूट गया। सच में यार लव मैरिज हुई है, अच्छा चल रहा है सब। बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। आपके हस्बैंड प्यार करते हैं दबा के? बहुत ज़्यादा। तभी तो लव मैरिज हुई है, नहीं करते तो लव फिर छोड़ जाता है। लव फिर लव पता नहीं, फिर तो वो हो जाता है, लव को आउट कर देते हैं, लव आउट हो जाता है। बट आप किस्मत वाली हो कि आपकी लव मैरिज हुई है, हैं? तो मैं चाहता हूँ ये लव मैरिज ना आपकी हमेशा अच्छी चलती रहे। और कोई नहीं, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। मेरा नाम सोमेश है, ठीक है ना। और एक बात और बताऊँ, प्यार हो गया आपसे। हमने कैमरा लगा रखा है, एक छोटा सा वीडियो कर रहा था मैं। ये बताओ तो शादी तो हो गई आपकी है, बताया क्यों नहीं? आपको सिस्टर है आपकी? हाँ बड़ी है, पर मैं सबसे छोटी हूँ। तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी? तो घर वाले मान गए? तभी तो करिए। हाँ अरेंज मैरिज हुई है, लव कम। हाँ तो कोई किस्मत वाली यार आप, तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब। अरे तुम तो डबल किस्मत वाली हो साला, किस्मत सोने की कलम से लिखी हुई है फिर तो किस्मत। एक तो लव मैरिज है। मैं खुद आर्मी पब्लिक स्कूल में। तुम टीचर हो? बताओ। नहीं मैं नर्स हूँ। नर्स हो? ओए ओए फिर तो अच्छे से इलाज करती होंगी। आप नर्स हो? हैं वो गवर्नमेंट टीचर है। सोने की कलम से लिखवा के आई हो किस्मत। सही बता रहा हूँ। वैसे भी आपका माथा है ना वो काफ़ी चौड़ा है, जिनका जो माथा चौड़ा होता है ना उनका नसीब बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। और वो तो नसीब है ही आपका अच्छा। तो फिर तो आप तो पैसों में खेलोगे आप, हैं? खेल गई, खेलोगे क्या? मुंह में घी शक्कर के मैं खेलूं। अच्छा तो कहाँ पेरेंट्स आपके हैं? दिल्ली में रहते हैं? हाँ पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, उनके पेरेंट्स बनारस में। मतलब यूपी से ही बिलोंग करते हो? मैं भी मथुरा से हूँ। आप मथुरा से? मेरे हस्बैंड बनारस। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये वीडियो हम यूट्यूब पर डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस कैसी लगी है मैडम? और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इनकी तो किस्मत खुल चुकी है, आपकी भी खुलेगी। हैं आपकी भी खुलेगी और हमारी भी खुलेगी। ऐसे ऐसे प्यारे लोग जब आते रहेंगे ना तो ज़रूर किसी न किसी दिन आपकी भी खुल जाएगी, है ना। लाइक